Redmi K60 सीरीज। अभी जो सीरीज है ये कल फाइनली चाइना में लॉन्च हो गई है। अब की बार Xiaomi ने 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, Redmi K60 Pro, K60 एंड K60e। Pro Plus कहाँ गया उसके बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और एंड में जाके आपको बताने वाला हूँ तीनों ही स्मार्टफोन के प्राइसेस चाइना में क्या है, और इनमें से एक स्मार्टफोन, हो सकता है दो स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिले पोको ब्रांडिंग के अंदर। सबसे पहले बात कर ली जाए Redmi K60 Pro के स्क्रीन यानी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ये जो फ़ोन है वाकई में फ्लैगशिप किलर बोलना इस फ़ोन को गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको लेदर बैक और ग्लास बैक की बेसिकली दो ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रेम एल्युमिनियम का है या फिर प्लास्टिक की जैसी, इसके बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपको ओलेड पैनल मिलता है 6.67 इंचेस का, 2K रिजोल्यूशन वाला, साथ ही साथ में 68 बिलियन कलर शेड्स आपको इस फ़ोन में दिखेंगे। 1400 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है, 1920 हर्ट्ज की आपको PWM डिमिंग भी मिल जाती है, और ये फ़ोन बहुत सारे सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। HDR10+ सर्टिफाइड है, HDR Vivid सर्टिफिकेशन भी है, Dolby Vision सर्टिफिकेशन भी है, साथ ही साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है इसमें, साथ ही साथ में लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 13 पे। बात कर ली जाए Redmi K60 के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले जो है ऑलमोस्ट सेम है, जो बैक है लेदर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, ग्लास वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, बस आपको यहाँ पे दो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो है HDR Vivid का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता और हार्ट रेट सेंसर नहीं मिलता है। OLED पैनल है, 68 बिलियन कलर शेड्स मिल जाएंगे, 2K पैनल है 6.67 इंचेस का, 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्स टच सैम्पलिंग रेट, 1920 हर्ट्स PWM डिमिंग, साथ ही साथ में HDR10+ सर्टिफाइड है और Dolby Vision मिल जाता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, बट HDR Vivid और हार्ट रेट सेंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन भी एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 बेस्ड है। बात कर लीजिए Redmi K60e की डिस्प्ले के बारे में, सो यहाँ पे आपको 2K पैनल मिलता है 6.7 इंचेस का, एक OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 1200 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस ऑफर करी हुई है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, बस आपको यहाँ पे Dolby Atmos और Dolby Vision का सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है। बात कर ली जाए तीनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे के बारे में, सो Redmi K60 Pro में आपको IMX800 जो कि 54 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है वो मिल जाता है, जो कि केपेबल है 8K रिकॉर्ड करने में एंड 4K रिकॉर्ड करने में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पे सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। Redmi K60 में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है OIS के साथ में, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंड 2 का मैक्रो मिल जाता है। इस फ़ोन में भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी मिल जाती है। इस फ़ोन से भी आप 8K एंड 4K दोनों ही रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। Redmi K60e में आपको प्राइमरी लेंस जो मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का है IMX582 जो कि केपेबल है 4K रिकॉर्ड करने में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यहाँ पे भी मिल जाता है। 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है सोनी IMX596। बात कर ली जाए तीनों स्मार्टफोन के चिपसेट के बारे में, सो Redmi K60 Pro में आपको Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाता है, ऑन दी अदर साइड Redmi K60 में आपको Snapdragon 8+ Gen 1 मिल जाता है, और Redmi K60e में आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला चिपसेट मिल जाता है। UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है Redmi K60 Pro में, LPDDR5X RAM यूज़ करी गई है। Redmi K60 में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ में LPDDR5 RAM मिलती है, ऑन दी अदर साइड Redmi K60e में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR5 RAM मिल जाती है। बात कर ली जाए तीनों स्मार्टफोन्स के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो Redmi K60 Pro में आपको 5000mAh की बैटरी ऑफर करी गई है 120W के चार्जर के साथ में, 30W वायरलेस चार्जिंग भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। Redmi K60 में आपको 5500mAh की बैटरी मिलती है, 67W का चार्जर मिल जाता है, सैडली आपको यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है।
Redmi K60e में आपको 5500 mAh की बैटरी तो मिलती है, साथ ही साथ 67W का चार्जर भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है। Redmi K60e में आपको MIUI 13 देखने के लिए मिलता है। ऑन द अदर साइड Redmi K60 Pro में आपको MIUI 14 मिल जाता है। अब Xiaomi ने एक नई टेक्नोलॉजी यानी उनका सॉफ्टवेयर बेस इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं वाइल्ड बूस्ट। बेसिकली ये जब आप गेमिंग करते हैं तो 118 फ्रेम्स पर सेकेंड इंश्योर करता है आप 260 मिनट्स और फ़ोन का टेम्परेचर भी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता है। ये अपने आप में काफ़ी अमेजिंग बात है। ये आपको तीनों ही फ़ोन्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका नाम है Xiaomi वाइल्ड बूस्ट 1.0। तीनों ही फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास और विक्टिस का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब इन तीनों ही फोन्स में से पॉसिबली दो फोन हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है पोको के अंडर आने वाला है, यानी पोको F सीरीज बन के आएगा। बात कर लीजिए तीनों ही स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग के बारे में, तो चाइना में Redmi K60 Pro की जो प्राइसिंग है वो 39,000 रुपीज़ है अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। Redmi K60 की जो प्राइसिंग है वो 30,000 रुपीज़ है चाइना में, और K60e की जो प्राइसिंग है वो है 26,000 रुपीज़ अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद Redmi K60 सीरीज़ के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।